हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हम कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर वीडियो। हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक छोटा सा आपको असाइनमेंट दिया था, होपफुली आपको उसका आंसर आ गया होगा। अब देखते हैं 1.6 क्या दिया है। तो प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। क्या था टोटोलॉजी का मतलब? टोटोलॉजी का मतलब है कि सारे आंसर्स ट्रू आने चाहिए। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है पी एंड क्यू देन क्यू। कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे? तो दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला पी है और फिर क्यू है, दो स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू कितना आएगा? चार वैल्यूज आएगा। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? पी एंड क्यू। तो पहला आएगा पी एंड क्यू। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब दोनों आंसर अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो ट्रू एंड ट्रू आंसर ट्रू, फिर फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब अपने को चाहिए पी एंड क्यू देन क्यू। तो पी एंड क्यू देन क्यू। अब देन में कौन सा स्टेटमेंट आना है? क्यू आने वाला है। अब इफ देन का कंडीशन क्या है? अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो देन का वैल्यू है। दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। अब यहाँ पे देन क्या है? फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाएगा। फॉल्स एंड फॉल्स तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों वैल्यू इधर सॉरी यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, यहाँ पे देन दोनों वैल्यू सेम है मतलब ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वैल्यूज आ गया। आई होप आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन में पूछा था क्या ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है? यस, जो आंसर आया है सारे वैल्यूज ट्रू आ गए, मतलब ये आपका क्या है? टोटोलॉजी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, देखते क्या दिया। क्वेश्चन सेकेंड दिया है पी देन क्यू निगेशन क्यू निगेशन पी। कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे? फिर से दो स्टेटमेंट है, तो पहला है पी और फिर है क्यू। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मुझे क्या क्या प्रूव करना है वो मैं लिख लेता हूँ। एक चाहिए पी देन क्यू डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन क्यू निगेशन पी। तो पहले मैं निगेशन फाइंड कर रहा हूँ, निगेशन पी निगेशन क्यू, तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। आपको निगेशन तो आता ही होगा। अब मुझे ये ब्रैकेट भी चाहिए, ये ब्रैकेट चाहिए, फिर डबल इम्प्लीकेशन। तो पहला ब्रैकेट है P देन Q का ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट है निगेशन ऑफ Q देन निगेशन ऑफ P। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। P देन Q, पहला P देन Q चाहिए, तो दोनों का वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है। आई जस्ट होप आपको समझा है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी देन है बट कौन सा है? निगेशन क्यू देन निगेशन पी, तो ये देन का वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू सेम है आंसर ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है क्या? नहीं, तो आंसर एफ आ जाएगा। दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, आंसर ट्रू आ जाएगा। दोनों वैल्यू सेम है, आंसर ट्रू आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं डबल इम्प्लीकेशन पे। डबल इम्प्लीकेशन क्या कहता है? डबल इम्प्लीकेशन कहता है अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब अपने में पूरा प्रूफ करना है, देखते कैसे सॉल्व होगा। पूरा ब्रैकेट लिख लेता हूँ, पी देन क्यू और डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी। अब मेरे पास ये तो वैल्यू है, देखते हैं सर, दोनों वैल्यू सेम है आंसर ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है आंसर ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है आंसर ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है आंसर ट्रू। सारे वैल्यूज ट्रू है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज माय टोटोलॉजी। तो अपने क्वेश्चन में ये बोला है प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो पहले दोनों तो हमको टोटोलॉजी आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, देखते क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू देन पी देन क्यू, मतलब फिर से दो ही स्टेटमेंट है, तो पी और क्यू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू
फॉल्स। अब मुझे क्या चाहिए, निगेशन पी निगेशन क्यू चाहिए, तो निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू, तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ये मुझे निगेशन पी और निगेशन क्यू आ गया। अब मैं यहाँ बढ़ता हूँ सॉल्यूशन की तरफ, मुझे चाहिए पहला एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट एंड इफ देन। तो पहला ब्रैकेट में मुझे क्या चाहिए, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये पहला है, और दूसरा चाहिए पी देन क्यू का ब्रैकेट। तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, एंड क्या कहता है, दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, दोनों फॉल्स है, आंसर फॉल्स। एक भी फॉल्स तो भी आंसर तो फॉल्स ही रहने वाला है, यहाँ पे भी फॉल्स, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे पी देन क्यू, पी देन क्यू में दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। दोनों वैल्यू सेम है, आंसर ट्रू। अलग है तो देन का वैल्यू फॉल्स, अलग है देन का वैल्यू ट्रू, दोनों सेम है, आंसर ट्रू आ गया। अब फाइनल आंसर आपको क्या चाहिए, तो आपको फाइनल आंसर चाहिए, वो ब्रैकेट लिख लेता हूँ, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी देन क्यू, ये मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में इफ देन है, तो ये इफ है और ये देन है, देन का वैल्यू आ जाएगा, दोनों सेम है ट्रू, देन का वैल्यू आ जाएगा, दोनों सेम है तो ट्रू। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन में पी क्यू, पी और क्यू वापस से दो ही स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट के लिए कितने वैल्यूज आएंगे, चार वैल्यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, पी और फिर क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्या क्या आपको चाहिए, निगेशन पी चाहिए, निगेशन क्यू चाहिए, होल ब्रैकेट का निगेशन चाहिए। चलो ठीक है, पहले निगेशन पी निकाल लेते हैं, फिर निगेशन क्यू निकाल लेते हैं। तो निगेशन पी निगेशन क्यू, तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये सबका निगेशन तो हो गया। अब ब्रैकेट के हिसाब से जाता हूँ, पहला है निगेशन पी और निगेशन क्यू, और दूसरा चाहिए P एंड Q और फिर उसका निगेशन। तो पहले P एंड Q फाइंड करूंगा, फिर उसको निगेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे निगेशन P अपने पास है और निगेशन Q, और क्या कहता है, एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो इन दोनों में आंसर फॉल्स है तो फॉल्स, इधर ट्रू है ट्रू, इधर भी ट्रू है ट्रू, इधर भी ट्रू है ट्रू, ये हो गया। अब P एंड Q, एंड क्या कहता है, दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। भाई फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब दोनों के बीच में पहले इसका निगेशन लेना है, मतलब हमको इसका निगेशन निकालना है। तो निगेशन ऑफ P एंड Q आ जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ डबल इंप्लीकेशन करना है, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है आपका ब्रैकेट, इट इज निगेशन ऑफ, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, डबल इंप्लीकेशन निगेशन, निगेशन ब्रैकेट पी एंड क्यू। तो अपने पास निगेशन ब्रैकेट पी एंड क्यू है ये, और ये इन दोनों के बीच में आपको डबल इम्प्लीकेशन करना है। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो यहाँ पे ये फॉल्स और फॉल्स आंसर ट्रू दे देगा, ट्रू और ट्रू आंसर ट्रू आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू आंसर ट्रू, ट्रू एंड ट्रू आंसर ट्रू आ जाएगा। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। अभी हमने किया था टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मतलब क्या था, सारे वैल्यूज ट्रू आने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होना चाहिए, सारे वैल्यूज फॉल्स आने चाहिए। अगर सारे वैल्यू फॉल्स है मतलब वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। स्टार्ट करते हैं, पहला सम देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर वन, पी पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, दो स्टेटमेंट है। तो इधर आ जाएगा पहला स्टेटमेंट है आपको पी, दूसरा स्टेटमेंट क्यू, दो स्टेटमेंट है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मुझे जो ब्रैकेट चाहिए वो ब्रैकेट देखता हूँ, निगेशन पी चाहिए निगेशन क्यू चाहिए, तो पहले निगेशन निकाल लेता हूँ, निगेशन पी निगेशन क्यू, तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन क्यों चाहिए, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू।
अब मुझे जो ब्रैकेट सॉल्व करना है वो ब्रैकेट लिख लेता हूँ। पहला चाहिए पी और क्यू का ब्रैकेट, दूसरा चाहिए निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का ब्रैकेट। तो पी और क्यू, और का मतलब क्या है? और का मतलब कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। तो पी और क्यू ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब मुझे चाहिए निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, एंड का मतलब दोनों ट्रू है ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। लास्ट दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब क्या करना है, तो आपको सॉल्यूशन लेना है। तो सॉल्यूशन पे क्या चाहिए, पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू। तो लिख लेता हूँ पी और क्यू ब्रैकेट एंड निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब दोनों अपने पास है, इन दोनों के बीच में एंड का स्टेटमेंट ज्वाइन होगा। एंड का मतलब है दोनों ट्रू है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया। छोटा सा क्वेश्चन है, इधर नीचे ही सॉल्व हो जाएगा, कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, दो स्टेटमेंट है फिर से। तो पी और क्यू, तो ये आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखते हैं क्या है, पी एंड क्यू एक ब्रैकेट चाहिए, निगेशन ऑफ पी चाहिए। तो पहले मैं निगेशन ऑफ पी निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब पी एंड क्यू चाहिए, तो पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू, एंड क्या कहता है, दोनों सेम है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इन दोनों के बीच में आपको एंड करना है, पी एंड क्यू एंड निगेशन पी। यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा पी एंड क्यू ब्रैकेट कंप्लीट एंड निगेशन ऑफ पी। तो दोनों एंड का मतलब क्या है, दोनों सेम है तो आंसर ट्रू है नहीं तो फॉल्स। तो ये आ जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। अब देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी आंसर फॉल्स, यहाँ पे भी आंसर फॉल्स। क्या होता है इसे, कॉन्ट्राडिक्शन। द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज सारे वैल्यूज फॉल्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थ्री, पी है क्यू है, पी है क्यू, वापस से दो ही स्टेटमेंट है। तो पी फिर क्यू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आपको क्या क्या चाहिए, पी एंड क्यू चाहिए, निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो पहले निगेशन पी निकालता हूँ, निगेशन ऑफ क्यू निकालता हूँ। तो ये आ जाएगा निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स फिर ट्रू, ये हो गया। अब आपको चाहिए पी एंड क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ पी एंड क्यू वाला ब्रैकेट, दूसरा चाहिए मुझे निगेशन पी और निगेशन क्यू का ब्रैकेट चाहिए। तो पी एंड क्यू, एंड दोनों सेम है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। निगेशन पी और निगेशन क्यू, और में एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। ये दोनों के बीच में आंसर फॉल्स है, ये ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। अब आपका सॉल्यूशन, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड आना चाहिए, यानी कि पी एंड क्यू ब्रैकेट कंप्लीट एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू है। एंड क्या कहता है, दोनों सेम है तो आंसर, सॉरी दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू नहीं तो फॉल्स। भैया फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे। वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। वेरी सिंपल सम है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो ये लेसन बहुत इजी है, थोड़े से एक्सरसाइज अब जो आगे बढ़ने वाले यानी कि 1.8 1.9 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, बट अगर आपकी ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको वो भी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, पी एंड क्यू एंड पी एंड क्यू, वापस से दो स्टेटमेंट है तो पी एंड क्यू है। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखते हैं क्या क्या आपको चाहिए, निगेशन ऑफ क्यू चाहिए। तो पहले निगेशन ऑफ क्यू, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया। अब आपको क्या करना है, पी देन क्यू का ब्रैकेट चाहिए, तो पी देन क्यू का ब्रैकेट, और चाहिए पी एंड निगेशन क्यू का ब्रैकेट। तो पी देन क्यू में पी देन क्यू, देन एरो में मैंने आपको बताया दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो देन का वैल्यू है। तो यहाँ पे ट्रू
देन का वैल्यू, देन का वैल्यू दोनों सेम है मतलब ट्रू हो जाएगा। अब पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड है तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, सॉरी यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों फॉल्स है, और यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, एंड का साइन है, और ये आपका सॉल्यूशन है, तो हमको यहाँ पे लिखना है पी देन क्यू एंड, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो इन दोनों के बीच में अपने को एंड स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, स्टेट दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिजेंसी। अभी देखो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें टोटोलॉजी हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कॉन्ट्रडिक्शन, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी के अंदर क्या करना है, तो कंटिजेंसी के अंदर आपको मिक्स वैल्यूज आएंगे, थोड़े ट्रू होंगे थोड़े फॉल्स होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन दिया है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, डबल इंप्लीकेशन निगेशन, पी एंड निगेशन क्यू, यहाँ पे फिर से कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, तो पहले दो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पहला है पी फिर है क्यू, दो स्टेटमेंट तो चार वैल्यूज, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्या करना है, अब आपको ये मिल गया तो आपको निगेशन ऑफ क्यू चाहिए, निगेशन ऑफ पी चाहिए, तो निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू, तो ये आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, निगेशन भी आ गया। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहला ब्रैकेट है ब्रैकेट ऑफ पी एंड निगेशन क्यू, दूसरा ब्रैकेट है निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब स्टार्ट करते हैं, देखते कैसे लिखेंगे, पी आपके पास है और निगेशन ऑफ क्यू चाहिए, दोनों के बीच में एंड, ये और ये, एंड में दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फिर फॉल्स है, दोनों वैल्यू ट्रू है फिर ये तो फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इन दोनों के बीच में निगेशन, तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू है। अब अपने को फाइनल जो क्वेश्चन चाहिए, फाइनल क्वेश्चन चाहिए इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन, दैट इज पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू डबल इंप्लीकेशन ब्रैकेट निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है, डबल इंप्लीकेशन में क्या है, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स डायरेक्टली, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स, दोनों वैल्यू सेम है ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन आया ट्रू फॉल्स का, इसे हम क्या कहेंगे, कंटिजेंसी कहेंगे। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में वापस है पी क्यू, वापस दो ही स्टेटमेंट है तो दोनों स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, पी है क्यू है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्या देखना है, आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको चाहिए P देन Q चाहिए, डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P चाहिए, तो पहले एक निगेशन ऑफ P भी ले दो, ये आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहला ब्रैकेट है P देन Q का ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट है आपका निगेशन ऑफ P और Q का। P देन Q में आपको क्या बताया, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू है, P then Q यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू, दोनों देन का वैल्यू, दोनों सेम है तो आंसर ट्रू है, ये हो गया। अब निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q है, और में दोनों वैल्यू में कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। अब इन दोनों के बीच में अपने को क्या करना है, डबल इंप्लीकेशन करना है, तो P then Q double implication negation P और Q। अब देखते हैं क्या इसका आंसर आता है, इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन क्या कहता है, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है, आंसर ट्रू आ गया। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज क्या आ गए, ट्रू आ गए। जब सारे वैल्यूज ट्रू आया मतलब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। मत क्वेश्चन में पूछा था क्या, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न हैज कंटिजेंसी, तो इस क्वेश्चन को अपन क्या कहेंगे, इट इज नॉट कंटिजेंसी, इट इज टोटोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या दिया।
क्वेश्चन नंबर थ्री। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है पी एंड पी देन निगेशन क्यू देन निगेशन क्यू, इसका मतलब यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट है, तो पी है और फिर क्यू है। तो पी है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, दो स्टेटमेंट, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब निगेशन में एक ही निगेशन चाहिए, निगेशन क्यू का, तो निगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब देखते हैं क्या चाहिए, तो आपको चाहिए P देन निगेशन Q देन Q, तो पहले ब्रैकेट अपन सॉल्व करेंगे, तो P देन निगेशन Q, पहला ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये P और ये निगेशन Q, देन का मतलब क्या है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो देन का वैल्यू, इधर देन का वैल्यू आएगा, दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू, ये हो गया, मतलब हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया। अब जो भी इसका आंसर आया है इसको इसके साथ देन करना है, मतलब ये P है या ये पहला स्टेटमेंट है इफ, और अपने को देन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट P देन निगेशन ऑफ Q देन Q, ये अपना आप देख सकते हो ये सॉल्व करना है, मतलब इसको किसके साथ देन करना है, Q के साथ, तो ये देन का वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू, फॉल्स ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, ट्रू ट्रू दोनों सेम है तो आंसर ट्रू, फॉल्स ट्रू तो आंसर फॉल्स, क्योंकि क्यू आपका देन वाला वैल्यू है। अब ये आपका ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब जो भी ब्रैकेट आया है उसको पी एंड ये ब्रैकेट करना, ये आपका सॉल्यूशन है, तो अब आपको यहाँ पे लिखना है पी एंड ब्रैकेट पी देन निगेशन ऑफ क्यू Then Q, ये आपका सॉल्यूशन। अब P आपके पास है और ये आपके पास है, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है कि दोनों वैल्यू ट्रू होने चाहिए, तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, ये ट्रू है ये फॉल्स है आंसर फॉल्स है, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी आंसर फॉल्स है, ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, इधर भी कॉम्बिनेशन आ गया ट्रू एंड फॉल्स का, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कंटीजेंसीज कहेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, देखते क्या है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में P देन Q एंड P देन R, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है, P है Q है R है। अब तीन स्टेटमेंट में कितने वैल्यूज आते हैं, आठ वैल्यू, कैसे, एक स्टेटमेंट का दो, दूसरे स्टेटमेंट का दो, तीसरे स्टेटमेंट का दो, टू इंटू टू इंटू टू, टोटल आठ वैल्यूज होंगे, तो लिखोगे ट्रू 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 ट्रू, चार बार ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, चार बार फॉल्स, तो टोटल आठ हो गया, अभी दो का कॉम्बिनेशन, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर सिंगल, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, पी देन क्यू चाहिए, पी देन आर चाहिए, और दोनों के बीच में एंड है, तो पी देन क्यू दोनों अपने पास है, तो पहला पी देन Q का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन का मतलब आपको मालूम है, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू, दोनों वैल्यू सेम है आंसर ट्रू, नहीं तो देन, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, दोनों सेम है। अब दूसरा चाहिए आपको P देन R चाहिए, तो P देन R का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो देन, ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो देन, फिर देन, दोनों सेम है ट्रू, ट्रू आ जाएगा, दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा। अब दोनों के बीच में आपको क्या करना है, तो इन दोनों के बीच में एंड वाला स्टेटमेंट ज्वाइन करना है, मतलब पी देन क्यू एंड पी देन आर। अब इन दोनों के बीच में, दोनों ट्रू है तो ट्रू, सॉरी एंड है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है। आई जस्ट होप आपको समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज आ गए, तो इस तरह से आपका हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।